से अमौठी जाएंगे तो कैसे किस प्रकार से जाएंगे आप, कैसे कोई साधन वाधन है आपके पास? अरे जो हाथ है जो पैर है जिसे जाएंगे और क्या जाएंगे, नहीं चलाएंगे नाव नहीं तो चलाए। प्रशासन निकम्मा हो चुका है, प्रशासन इज द फेल। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राम नारायण शर्मा। आज मैं चल रहा हूँ अपने ब्लॉग के लिए अंधेरी बंधा। तो हम अंधेरी बंधा पहुँच चुके हैं और ये देख लीजिए हम बंधे पर ही चल रहे हैं इधर उत्तर दिशा। दोस्तों तो हम अब बंधा से पहुँच चुके हैं, ये परास साइड में जाने वाली सड़क पर। देखिए यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है, शायद आज कुछ पानी कम हुआ है कल की अपेक्षा। कल रात में पानी कुछ छोड़ा गया था तो उससे ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। आज देखिए अभी भी बहाव उतनी ही तेज़ है, फिर भी कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत धीमी गति से पानी घट रहा है। और यहाँ पर देखिए दूर दूर तक, कितने दूर तक पानी बहुत तेज आ रहा है और बहाव अभी भी उतना ही तेज़ है। पुलिया उलिया की व्यवस्था की गई थी लेकिन पानी की वजह से सड़कें अभी जो है वो सही नहीं हो पाई हैं। देखिए भाई साहब भैंस लेके जा रहे हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं भाई साहब? परास कहानी से। वहाँ कैसा, कितना पानी है इसमें? इतना पानी है, अरे बाप रे। देखिए अभी भाई साहब ये परास से आ रहे हैं माझा एरिया से, तो वहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा है। अब किस तरह से आ रहे हैं देखिए, सामने जहाँ से आ रहे हैं सड़क दिखाई नहीं दे रही, फिर भी किसी तरीके से भाई साहब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। देखिए वो जो नाव दिख रही है आपको, प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई है। और प्रशासन ने कितनी नाव यहाँ आ गई भैया? केवल दो नाव प्रशासन द्वारा यहाँ पर, केवल दो नाव की व्यवस्था की गई है। आप लोग देखिए और यहाँ गांव में कितनी परेशानी हो रही है लोगों को आने जाने में। बता रहे हैं लोग कि यहाँ तीन तीन तखत चार चार तखत जोड़ करके तब लोग घर से बाहर किसी तरीके से निकल रहे हैं। और कुछ घरों में तो लोग छत पर ही आज तीन चार दिन से विराजमान हैं। तो यहाँ की बड़ी विभत्स स्थिति थी और अभी भी वैसे ही लग रहा है। पानी का घटना कुछ कम हुआ है लेकिन अभी उतनी तेज़ी से नहीं घट रही है। लग रहा है कि हाँ अब पानी वहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा। अगर छोड़ा गया पानी तो फिर भी पानी बढ़ सकता है। तो आगे हम ले चलते हैं आपको इधर इस साइड में सड़क के दोनों तरफ। देखिए लोग आ जा रहे हैं और पानी को देखते हुए उधर से परेशानी का सामना करते हुए किसी तरीके से लोग बाहर जा रहे हैं। देखिए वो नाव पे लोग जा रहे हैं अपने घर पे। प्रशासन द्वारा जो दो नाव मुहैया कराई गई है, एक नाव उतार ली गई है किसी तरीके से और एक नाव भी वो दूसरे जगह की है और नहीं उतारता नहीं, दूसरे जगह जाएगी। तो यहाँ केवल दो नाव है कि एक नाव है? एक नाव है। हाँ इस क्षेत्र के लिए केवल एक नाव की व्यवस्था कराई गई है। किसी तरीके से लोग अपने गांव को जा रहे हैं। देखिए इधर गन्ना भी लगा हुआ है उधर। और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ की ये है कि यहाँ की ही नहीं पूरे प्रदेश की कहिए कि खेतों में अब जो तार लगाए गए हैं कटीले तार, इसकी वजह से नाव भी आराम से नहीं चल पा रही हैं। बहुत देख के नाव को ले जाना पड़ता है, कहीं खूंटे में न फंस जाए या कहीं किसी तार में न फंस जाए, जिससे दिक्कत हो सकती है। नाव अगर फंस गई तो वहाँ पर भी लोग परेशान हो जाएंगे, नाव डूब भी सकती है, उसमें लोगों की जनहानि भी हो सकती है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं इसका कवरेज करने। और आप प्रधान जी हैं? अच्छा, ये प्रधान जी हैं? नहीं हम प्रधान नहीं हैं, हम प्रधान अच्छा चलिए ठीक है, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं तो आप यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? देख ही रहे हैं आप? हाँ हम तो देख रहे हैं, लेकिन जो क्या व्यवस्था कराई गई है प्रशासन द्वारा? कोई व्यवस्था नहीं प्रशासन द्वारा, कोई भी व्यवस्था नहीं है, सब अपने अपने व्यवस्था में है। अच्छा अच्छा, अब प्रशासन के द्वारा यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, आप देख ही रहे हैं। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, एक नाव आई हुई है अभी वो जा रही है। जी जी, जिसके पास जो व्यवस्था है अपना उसी तरीके से काट रहा है, किसी तरीके से आ जा रहे हैं लोग। कितने पानी है? पैदल आ रहे हैं, ट्रैक्टर से आ रहे हैं। ओहो, और क्या व्यवस्था है यहाँ? स्वास्थ्य विभाग की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, परेशान हो रहे वाले भी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे का, आप देख रहे हैं यहाँ किसी को? हाँ वहाँ तो नहीं दिखाई दे, चौराहे पे तो कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। सुना है आज की डीएम साहब आए हुए थे? कोई नहीं आया था, यहाँ नहीं आए थे, अब और कहीं आए होंगे तो पता नहीं, बता रहे थे चौराहे पे आए हुए थे डीएम साहब लोग 10 बजे। आई डोंट नो, सुबह 10 बजे से यहाँ है, हमें नहीं पता है डीएम साहब आए हैं या सीडीओ साहब आए हैं या कोई और अधिकारी आया है। जी जी, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बड़ी समस्या है। हम लोग यहाँ है सामान लेकर के घर जा रहे हैं। देखिए सामान रखा हुआ, आज करवा चौथ है। जी जी जी, सबकी पत्नियाँ आज व्रत होंगी अपने अपने हस्बैंड के लिए। अब यहाँ के लोग कितनी अव्यवस्था में है, कितना परेशान हो रहे होंगे यहाँ से, तो जल ही जल दिखाई दे रहा है, पूरा जलमग्न एरिया हो गया है अब।
और कितनी परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं इसका तो अनुमान लगाया जा सकता है। प्रशासन भी नहीं चेत रहा है और लोग कह रहे हैं कि हाँ प्रशासन बहुत मुस्तैद है। फिलहाल में प्रशासन का ध्यान इस आय का जो साधन था वो खत्म हो गया, अब एकदम खत्म हो गया। आय का क्या, आय का धान वान रही नहीं गया, सब जा रहा है। सही, जो कुछ बचेगा भी जानवर उसको नहीं छोड़ रहे हैं। जी जी जी, अभी आप जाकर के इधर कवर कीजिए, देखिए 200-400 इसी बंधे पे आपको मिल जाएंगे। हाँ उधर तो आए हैं, उधर तो एकदम लाइन लगी हुई, लाइन लगी थी ना। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से जा रहे हैं उधर, उधर वाले इधर भगा रहे हैं, अब पानी में कहाँ चले जाएंगे। तो आप प्रशासन की ओर से क्या चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रशासन की तरफ से हम लोग तो बहुत सब बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी होती है हर आदमी को। सही है, उम्मीद तो होती है कि हाँ प्रशासन देख रहा है। स्वास्थ्य की सेवा चाहिए, यहाँ नाव की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए। जो लोग यहाँ अभी एक आपके सामने आई है, जी, दो चार नावें और आई हैं जी, लेकिन अब ये बहुत बड़ा बेल्ट है। हाँ बहुत बड़ा बेल्ट है, परास एरिया, परास है, बहादुरपुर है, पुरबार है, मझवार है, अमौठी है जी, फिर इधर धनौली है, चिराहा का भी कुछ अंश डूबा हुआ है। जी जी, बहुत बड़ा एरिया है ये हमारा, मैंने 10-20 गांव तो हमारे यहीं पे आसपास जहाँ आप खड़े हैं, 10-20 गांव का ये मेन रोड है, मेन आने जाने का यही रास्ता है। बहादुरपुर, परास, मझवार, पुरबार, अमौठी, जबरनगर, लगभग यहीं से मेन रोड यही है। अब इसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं, अब इधर तो एकदम लग रहा है कि हाँ आगे पानी ही पानी दिख रहा है, आगे कुछ, भी है। कुछ भी नहीं है यहाँ से। अभी हम लोग जा रहे थे, आपको एक वीडियो दिखाएं, ट्रैक्टर से बैठ के जा रहे थे, हिम्मत नहीं पड़ी, वापस चले आए। अच्छा इसके आगे अब अगर आप जाएंगे तो कितना पानी हो सकता है? इसके आगे आप नाव से ही जा सकते हैं, या तैरना जानते हो तो जाएं, पैदल नहीं जा, पैदल नहीं जा सकते हैं आप। बहुत भारी समस्या है, तो प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि हाँ यहाँ के लोगों की समस्याओं को अपने ध्यान में रखें। और भाई साहब आप कहाँ जाएंगे? हम भी ग्राम सभा अमौठी जाएंगे। अच्छा अमौठी जाएंगे, तो कैसे किस प्रकार से जाएंगे आप, कैसे कोई साधन वाधन है आपके पास? अरे जो हाथ है जो पैर है जिसे जाएंगे और क्या जाएंगे, और नाव नहीं, नहीं चलाएंगे नाव ही नहीं तो चलाएंगे। प्रशासन निकम्मा हो चुका है, प्रशासन इज द फेल, सिर्फ हवा 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 है। ठीक है, एक राम राम टाइप की एक नाव दे दिए है, एक छोटी नाव हमारे गांव में दी गई, छोटे नाव बिना मदद की ना। अरे भैया रुपौली महाराज रुपौली रहा होगी व्यवस्था, हमें नहीं कह रहे आपके यहाँ व्यवस्था होगी, आपके पास होगी ना, हमारे पास नहीं है। प्रशासन आई है कौन में, हमारे पास नहीं है ना, कैमरा वाले बाहर कैमरा घुमाऊ कहाँ हमारे यहाँ या आप, हाँ, आप हमसे बात कीजिए ना, एक इतने बड़े ग्राम सभा में जो नाए आप चला दिए, कौन सा तीर मार दिए हैं? हाँ अभी कहा भैया फुल व्यवस्था है। ठीक है, आप इतने बड़े आपदा में प्रशासन को 8-15 दिन के पहले से ही जानकारी थी। ठीक है, उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, लोग आते हैं फोटो खींच के चले जाते हैं। नहीं ये बताइए जो बाढ़ आई है क्या ये 2 दिन की समस्या है, आज कितने दिनों से बाढ़ की समस्या नहीं है, कंटिन्यू ये ऐतिहासिक सरकार में ऐतिहासिक बाढ़ है। चलिए इस बार की बताइए, ये ऐतिहासिक सरकार में ऐतिहासिक बाढ़ है, इतना पानी कभी नहीं आया। जी जी, ये जनता को त्रस्त करने के लिए बना बनाया एक प्लान होता है, छोड़ा जाता है, आपदी रूपी नहीं है ये एक प्लानिंग के तहत किया जाता है। वास्तव में ऐसा होता है, जो ये पानी आता है, आप देखिए समस्या, जैसे नेपाल से जब पानी छोड़ जाता है, जो वहाँ डैम बना हुआ है, उस डैम पता है नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम 2016 में जब उत्तराखंड में भूचाल आया था जी, उस साल से अधिक बारिश आज तक नहीं हुई, नहीं उतना पानी तो तब नहीं आया था, तो आज कैसे आ गया? अब ये कहाँ से पानी आया ये तो समस्या है, बनी बनाई एक साजिश होती है, लोग परेशान हो और जन उसमें प्रशासन थोड़ा सा मदद कर दे। ठीक है, और वो टीवी समाचार पर चला दिया जाए ताकि लोगों को लगे कि अगर यही सरकार होती हमारी तो बच पाए, नहीं तो हम बचते नहीं, ऐसे लोगों की प्लानिंग है। ठीक है, आज प्रशासन को 15 दिन से पहले ही जानकारी होती है, होती है नहीं होती है, होती है, ये ऐसे अचानक कहाँ से आ जाता है? अचानक तो नहीं आता है, वो तो प्रशासन को जानकारी होती है। आप जाके देख लीजिए कितनी है, हम लोगों को पहले उसको अवगत करवा देना। ठीक है, कि पानी छोड़ा जाए, आप लोग अलर्ट हो जाए, किसी भी डीएम एसडीएम एसपी किसी को कोई पता है? इनकी दुकान में पानी भर गया, 50,000 इनकी दुकान के देखिए पानी हल्का, केवल ग्राम सभा अमौठी में 8 लाख भूसे का नुकसान हुआ, 8 लाख भूसे का नुकसान, 8 लाख रुपए का भूसा। हाँ भूसा, जानवर क्या खाएंगे? सही बात, धान भी गया, पलर गेहूँ की फसल गई, सरकार भरपाई दे पाएगी? सरकार कुछ नहीं दे पाएगी, केवल नाम की सरकार है, जाइए दिखा दीजिए। चलिए तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करिए, और अब तो
आपातकाल स्थिति लागू ही है यहाँ के लिए। आप देखिए चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, लोग कैसे आ जा रहे हैं देखिए। इधर नाव तो लगी हुई है लेकिन पैदल भी जा रहे हैं लोग। आज करवा चौथ है और कितनी समस्याओं का सामना करते हुए लोग अपने अपने बहन बेटियों को करवा ले जा रहे हैं करवा देने के लिए। और ये भी ज़रूरी है कैसे जा रहे हैं, नाव की केवल यहाँ दो व्यवस्था है तो दो नावों से कितना जो है आवागमन हो सकता है। फिलहाल जो भी है तो मैं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हाँ आप जो भी हो प्रशासन में जो भी कर्ता धरता हो यहाँ की समस्याओं का समाधान करें जल्दी से जल्दी। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की ओर से नाव व खाद्य आपूर्ति सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राम नारायण शर्मा, तरबगंज गोंडा।